रिकॉर्डिंग कर ही ले बात बोल रहा है माइक में स्टार्ट करें स्टार्ट देखो माइक्रोसॉफ्ट सारा भटक गए बहुत सस्ते आते वो अपने बजट के बहुत अंडर बजट है कोई बात नहीं सर मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हो है ना जिसमें पोजीशन का बिल्कुल ध्यान रखना है ये आपका ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यू यहाँ से अपने पास दो रे जा रही है एक तो पैरेलल जा रही है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑप्टिकल सेंटर सीधी निकल जाती है और ये वाली जो रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद कहाँ से पास होगी फोकस से पास होगी फोकस होगा इधर से ही आई बस ऑन में अब इसको पीछे बढ़ा के देखोगे ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ कर रही है अपने को पता नहीं है कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या हो जाएगा इसका आगे से पैरेलल निकल रही है थोड़ी सी मान लो ना समझ लो ना बात है ना पीछे जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या हो जाएगा अपना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ये आपका इमेज हो जाएगा ठीक है इमेज की जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के लिए पहली बात तो आपके पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी के बराबर हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी के बराबर हो जाएगा इसमें अपन लोग फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे ये वन बाई माइनस डी वन बाई ए को दे रहे हैं हमारे पास समझ आ गई बात जी यहाँ से अपन m की वैल्यू मतलब ये अपने को फाइंड आउट करना है d by u फाइंड आउट करना है d माइनस u माइनस आएगा u अपना इधर है ना तो u भी आपका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 1 by u माइनस 1 by d अब अपने को निकालना ये है d by u निकालना है ठीक है तो क्या करो पूरी इक्वेशन में u से मल्टीप्लाई कर दो u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस u by d equal to u by f u by d को सेपरेट कर लो तो u by capital D equal to कितना हो जाएगा 1 minus u by f समझ गए बाकी अब इसको रेसिप्रोकल भी कर दो ये कितना हो जाएगा पहले क्या होगा f minus
नॉर्मल लेंस जो मैग्निफिकेशन
करता है वो वाला मैग्निफिकेशन। अब इसमें हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे कहीं होगी, इन्फिनिट पे होगी ना, होगी कि नहीं होगी? हाइट ऑफ इमेज कहीं पे इन्फिनिट पे होगी, मेरे को पता नहीं कि भाई वो कहाँ पे बन रहा है, बट मैं ऐसा मान लू कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना है, एच डैश के बराबर है। एच डैश हमारी बात नहीं, वो किसके बराबर है, एच डैश के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो थीटा आई बन रहा है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इसके लिए और एक बार इमेज के लिए, दोनों ट्राइंगल तो सेम ही ना भाई, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे एच डैश बनेगा आपका और यहाँ पे आपका एच बन रहा है। दो तरीके से लिख सकते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए एच थीटा आई वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एच डिवाइडेड बाई यू के बराबर हो जाएगा, बट यू क्या है यहाँ पे, यू किसके बराबर है, देखो ये जो वैल्यू होगी h बाई u ये थीटा i के बराबर हो जाएगा। रिजॉल्विंग मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन में क्या था, इमेज फॉर्म एंगल फॉर्म बाय इमेज और डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, यही था ना। थीटा इक्वल टू h बाय f मिल रहा है अपने को, थीटा i नियरली अबाउट किसके हो जाएगा, h बाय f के हो जाएगा, स्मॉल एंगल। अच्छा स्मॉल एंगल, क्योंकि ये इमेज की जो हाइट बनेगी वो तो बहुत बड़ी बनने वाली है, इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको, बहुत छोटा एंगल मिलेगा, h बाय f हो गया यहां से हमारे पास, ठीक है। और ये वाला इस वाले एंगल को भी कन्वर्ट कर दो, ये वाला भी थीटा नॉट इज नियरली अबाउट हो जाएगा h बाय, जो डेफिनेशन है बड़ी है, मतलब डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन का is defined as the ratio of the angle formed by the image delta I to the angle formed by the object delta I. Magnitude of the image upon object. Image ka angle divided by object angle. अब वहां से इमेज का एंगल क्या है, थीटा आई, और ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, थीटा नॉट, दोनों को डिवाइड कर देना है, ये तो मैग्नीफाइंग पावर है, ऑब्जेक्ट तो बहुत पास में होगा ना, ऑब्जेक्ट तो फोकस बहुत कम लेना है, बहुत बड़ा नहीं है इसका, जो ये लेंस है वो बहुत छोटा लेना है अपने को, माइक्रोस्कोप में पड़े छोटे लेंस लगे होते हैं ऊपर, समझ रही बात की, तो इसमें ये भी एंगल स्मॉल हो जाएगा और ये भी एंगल स्मॉल हो जाएगा, ये तो स्मॉल है रीच डिस्टेंस के लिए 25 सेंटीमीटर का है, देखो ये तो आर्टिकल में नहीं बोला था कि इसमें क्या है कि बिल्कुल इनके हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को, स्मॉल एंगल क्यों लिया है अपन उस पर डिबेट नहीं कर सकते, और एक बात उसमें ठीक से निकलता होगा। अब इस तरीके से अरेंजमेंट बना रखे हैं उसके लिए अपन तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा i डिवाइडेड बाय थीटा नॉट और h / f डिवाइडेड बाय h / d, कितना हो गया ये हमारे पास, d / f हो जाएगा। अगली बात देखो, पहले वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 + d / f और उसमें होती है d / f, बस आपको ये याद देना और उसमें काम चल जाएगा। जब आपका इमेज कहाँ पे हो, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे हो तो कितना बनता है 1 + d / f, और इनफाइनाइट पे हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बनती है, d / f बनती है, ये आगे यूज होंगे बस, ठीक है। इतना नोट करो अभी।
इसके न्यूमेरिकल तो और कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता। पेंसिल से अगर फ्री हैंड बनाएगा तो बिगड़ जाता है, पेन से फ्री हैंड आता है 77 से 110 तो सेम होता है, सेम बनता है। लोगों की मतलब ऐसे
ऐसे वो नीट से थोड़ी लगाते नहीं है चलिए से सीधा हो हां वही बोलने के सभी वो सस्ती वाली लेके आते तो वहां ना बेने मंदिर की साइड वाले एरिया में जो होती है ना जिसमें मिट्टी जैसी होती है बेने होता है पुलिस वाले मिट्टी वाली बहुत चलती होती है अभी क्या है अभी इधर से जो डालोगे इधर से आगे लोग सड़क पे खड़े होते पानी लेके वो आ रहे और पानी पानी आते रहता है नीचे तो आप इन्हें से कीचड़ जैसे हो जाते हो जाओ ऐसे जाओ पता ही नहीं चलेगा। आप ऊपर डाउन ना डाउन करते चढ़ाई करते।
इस मैग्निफिकेशन इज वन लेस देन द मैग्निफिकेशन, मतलब वन लेस देन का मतलब क्या है, वन प्लस डी बाई एफ का, और उसका डी बाई एफ है, तो ये डी बाई एफ जो है वो एक कम है इससे ऊपर वाले मैग्निफिकेशन से, समझ रही बात ये, मतलब मैग्नीफाइंग पावर से जीरो से अरे वो वाला ये मैग्निफिकेशन की जगह मैग्निफाइंग पावर है ये। हां तो मतलब फिर अगर इंफिनिटी पे तो भी इधर छोटी दिख सकती है, अगर वो जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन ये d / f का वो मैग्निफाइंग पावर है। हां पावर है, पावर मैग्निफाइंग पावर, ये जो नॉर्मल है कौन सा नॉर्मल, अरे मतलब d / f हां वो तो वन से छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इंफिनिटी वाला में, हाँ तो छोटा दिख सकता है वो, दोनों काम होते हैं मेरे साथ, तो छोटा और बड़ा दोनों देखने के लिए, लेंस उल्टे सीधे करके देखने होते हैं शायद, ऐसा होते नहीं होते दिस मैग्निफिकेशन इज वन लेस देन द मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट द नियर पॉइंट बट द व्यूइंग इज मोर कंफर्टेबल एंड द डिफरेंस इन द मैग्निफिकेशन इज यूजुअली स्मॉल, ठीक है, as the simple microscope has a limited maximum magnification is less than or equal to 9, मतलब 9 times ही आपको enlarge करके दिखा सकता है किसी object को, अगर आपको enlarge करके देखता है ये single microscope जिसे बोलते हैं एक lens लगा होता है, फिर आगे compound आएगा, ठीक है, for the realistic focal length for the larger magnification two lenses are used and the one compounding the effect of other, this is known as the compound microscope. सिंगल माइक्रोस्कोप में क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या कर देना है, दो लेंस यूज कर देना है, और इसमें ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आईपीस वाला लेंस क्या होता है बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा रखना है, आईपीस वाले को बड़ा रखना है, नहीं इसमें से आपको ध्यान रखना है दूसरा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो, इनफाइनाइट पे जाके फॉर्म हो, है ना, कंसेप्ट में इसमें क्या होगा, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, पहला होगा आईपीस वाला और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो लेंस का अपर्चर कम होना चाहिए, आईपीस वाले का ज्यादा होना चाहिए, समझ आ गई बात, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, अब देखो ये आपके पास दिक्कत ये है कि रे जो है ना वो मैच नहीं कर रही है, पहले ये ना जुगाड़ लगाना पड़ता है उसका, सब ये देखो यहाँ चला गया, ये इमेज का फॉर्म हुई है इसकी, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जो इमेज फॉर्म हुई है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है, और सवाल ये बात थी है ना, अब ये नहीं क्या बोल रहा है, तो फालतू बातें तो आगे बढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है, हाँ फालतू बात ना, अब आईपीएस वाले के लिए इमेज को कहाँ पे फॉर्म, अब देखो ये जो आईपीएस वाला है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बननी चाहिए वो कहाँ पे बननी चाहिए, आपके लीस्ट डिस्टिंग डिस्टेंस पे बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टिंग डिस्टेंस है ना कहीं पे यहाँ पे होती है, अगर इसका इमेज जो है इससे एक रे तो ऐसे निकल जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे जाएगा, और इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पे क्रॉस, सॉरी बात नहीं, ये आपका इमेज हो जाएगा, इनका भी ए का डी डबल डैश हो जाएगा और ये बी डबल डैश हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है वो डी पे फॉर्म नहीं, तो फिर वो रिवर्स करते हैं, रिवर्स किया जाता है, उसे जुगाड़ ये लगाना है कि ये डी पे इधर बनाना है, यहाँ पे क्रॉस कर जाना चाहिए, पहले इमेज बना लेना और फिर ये क्रॉस करवा देना,
समझ नहीं रहा थी उसके ऊपर लेग्स इसमें भी देखा बना रखा है एग्जैक्टली नहीं बन पाता है प्रॉब्लम ये है दो बार प्रैक्टिस करना बन जाएगा आज एक घंटा कितना मतलब अभी देखो आई प्रॉब्लम बनाना है कि द ऑब्जेक्ट इज फेस द ऑब्जेक्ट इज फेस एज अ डिस्टिंक्ट स्लाइटली लार्जर देन द फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से यहां पे फोकल लेंथ से थोड़ा सा आगे रखा है स्लाइटली आगे रखा हुआ है ये एप्रोक्सीमेटली आप इसे एफ वी मान सकते हो मतलब ये बात है द ऑब्जेक्टिव फॉर्म अ रियल इनवर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ On the other side of the objective lens, this object का दूसरी side magnified और real time हो जाएगा, image form हो जाएगा इस objective lens से। समझ रही बात ये? Okay. The separation between the eyepiece and the objective is so adjusted that the image lies within the focal length of the eyepiece. ये वाला जो image है, वो इसके लिए इस तरीके से मतलब इन दोनों के बीच में ना ऐसे tube लगा होता है, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इन दोनों लेंस के बीच में क्या लगा होता है क्यूब लगा होता है उनमें क्या होता है कि जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि दोनों का पास के दूर कर सकते हो एडजस्टमेंट कर सकते हो एडजस्टमेंट क्यों करना होता है क्योंकि ये वाला जो इमेज है वो इसके आईपीस वाले लेंस के फोकल लेंस पे लगा पास करने पे ज्यादा जूम हो जाएगा पास करने पे ज्यादा जूम होगा कम होगा इस तरीके से सेट करना है मैग्नीफाइड बनाने के लिए कि आईपीस वाले लेंस के लिए ये जो इमेज बनी है जो ऑब्जेक्ट का काम करती है वो इसके फोकल लेंथ पे आ जानी चाहिए समझ रही बात की इसके फोकल लेंथ पे ये वाली इमेज आ जानी चाहिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करेगी समझ रही बात की है ना तो इमेज ये हो गया हमारे पास द सेपरेशन बिटवीन द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव सो इट इज द ए डैश और बी डैश वाली जो इमेज है वो छोटे से लेंस से बन रही है इस वाले से ये बनी है हाँ फिर इस वाले की इमेज भी तो मतलब वो इमेज से ये वाले डिस्टेंस पहले ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस की हाँ उससे वो इमेज बनी है ए डैश हाँ फिर आई वाली से फिर इस वाले ये वाली जो इमेज है वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है और इस वाले लेंस से इमेज यहाँ पे बनता है तो आपका तो इस वाली इमेज का इस वाले ऑब्जेक्ट का ये इमेज दिखाई देता है ये नहीं दिखाई देता आपको तो इसका ये दिखाई देगा तो ये मैग्निफिकेशन हो जाता है ठीक है द इमेज ऑफ ऑन द नाउ इट इज द ऑब्जेक्ट टू द आईपीस हो गया दिस कटेड इमेज इज नियर द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फॉर द फाइनल इमेजेस फॉर्मेशन एट द नियर पॉइंट The eyepiece form a virtual and magnified image of the object. This object की एक virtual image form हो रही है देखो दोनों same side है तो क्या होगा ये आपकी virtual image form हो रही है ना at a distance approximation of the ये हो गया the eyepiece form a virtual image and the magnified image of the object which is inverted with respect to the original object. इस original object के respect में ये inverted बनती है समझ रही बात ये देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा लगभग फोकल लेंथ पर इसने क्या किया एक इमेज फॉर्म कर दिया ये वाला इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये वाला जो इमेज है वो इस वाले लेंस के लिए किसमें आ जाए फोकल लेंथ पे आ जाए ये वाला जो लेंस है आईपीस वाला वो इसका क्या बनाएगा एक वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा
आईपीएस वाले लेंस के लिए अपने को जो अपने फॉर्मूले निकाले थे ना वो वाले पुट करने होते हैं। अगर ये बात है m not is the magnification of the due to the objective lens and m is the magnification due to the eyepiece, तो m not तो आपको वही सिंपल होता है तो वहां पे अपन लिखते थे h dash upon h और इन्होंने जो डिस्टेंस दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर अपन लिखें ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और ये आपका v not होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस। तो इसे क्या लिखते हैं अपन v not by u not होता है। समझ आ रही बात? ठीक है ना, v not by मैंने क्या बोला था कि इसको अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे रखेंगे फोकल लेंथ, इसको अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे रखेंगे अपन फोकल लेंथ पे रखेंगे। और ये वाला जो ये जो वी नोट होगा वी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ये तो हो जाएगा हमारे पास वी नोट डिवाइडेड बाई एफ नोट। और ये जो वी नोट होता है ना वो इसको बहुत नजदीक बनता है तो इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ एल। यहाँ से यहाँ तक लेंथ को बता रहा है ट्यूब लेंथ, ये एल और ये वी नोट बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, मतलब ऐसा बोले कि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है, ये वाला जो इमेज है वो बहुत नजदीक बनता है। ठीक है, इसको अपन एल बाई एफ नोट भी लिख सकते हैं, वी नोट को यहाँ पे एल इमेज बता रहा है फोकल लेंथ की बहुत समझ आ गई बातचीत। अब अपन देखो दोनों फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे इसका मैग्निफिकेशन m इक्वल टू m not f to m e, m e तो अपन m e कहाँ से यूज करेंगे, पहले m not को लिख देते हैं l by f not, या पहले ये वाला लिखो v not by, और ये वाला मैग्निफिकेशन कौन सा है least distinct distance पे अगर आपका इमेज फॉर्म होता है तो मैग्निफाइंग पावर का फॉर्मूला 1 प्लस b by वन प्लस डी बाई एफ, एफ किसका आई पी वाले लेंस बाई एफ ई होता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। और एक आगे अब फिर इसको हमने क्या लिखा है एल बाई एफ नॉट, तो वो एल बाई एफ नॉट भी लिख सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म से मतलब है कि वी नॉट फॉर एल मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एफ ई बहुत कम होगा ना, टोटल मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली, अगर एग्जैक्टली आपको देखना है तो ये वाला जो आपका इमेज बना है वो इसके लिए किसका काम कर रहा है, ये वाला जो इमेज बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ से दूरी आप देख सकते हो यू ई, तो ट्यूब लेंथ को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मॉड ऑफ वी नोट प्लस मॉड ऑफ, तो बोलते हैं ट्यूब लेंथ हमारी बच्ची, इसलिए मैंने बोला था कि दोरी है वो ट्यूब लेंथ तो वही है ना, दोनों के बीच का ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस वाले लेंस के बीच का सेपरेशन, ये चेंज होता रहता है, उसको चेंज करवा सकते हो। दूसरा क्या होगा हमारे पास, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही हो, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही हो, अरे भाई टूट जाएगा क्यों, कहाँ पे फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही हो, तो पहला वाला तो सेम ही रहने वाला है, पहला वाला तो सेम ही रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट उसका फोकस डी बाय एफ हो जाएगा भाई, एक तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पे, इसका मैग्निफिकेशन तो सेम ही रहेगा किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसका क्या हो जाएगा मैग्निफाइंग पावर डी बाय एफ, डी बाय एफ वो केस करवाए ना डी बाय एफ यूज करेगा, सेकंड वाले में डी बाय एफ से मल्टीप्लाई मतलब को वही है एल डी अपॉन एफ नॉट मतलब ऐसा होता है ना, दूसरे वाले का क्या यूज करना है,
d by f not into f u है और ये बात को l is को इसका उल्टा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा कर दो और आपका आईपीस वाला जो है वो क्या हो जाएगा अरे आइए ऐसा लग रहा है इन में से पड़ गया अगली बार से करेंगे सही है एक ऐसा उसमें फीस में फंडेड किया करेंगे जिससे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली और क्वेश्चन नहीं रखेंगे कोई चीज टूट जाए तो फिर उससे करी लेंगे क्वेश्चन मनी जमा करवाएंगे जैसे स्कूल में करवाते हैं और हर बच्चे में जमा कराते स्कूल में इस चीज के लिए अरे तुम तोड़ फोड़ कर जाओ तो हमारे कॉलेज वाले तो 5,000 रुपए और फिर क्या कहते हैं वो जब केमिस्ट्री वाले लैब में जाओ तो अरे उसे बोलने में लगे थे तुमने आपको उसे बोलने में लगे थे तुमने जो फोकल लेंथ है वो
लैम्डा अंदर किसी पे डिपेंड करती नहीं है, हमारी उसमें रिफ्लेक्शन डेक्स का कोई प्रॉब्लम है नहीं, मिरर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रिफ्लेक्शन डेक्स का, तो उसमें क्या है ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है क्रोमेटिक और ये स्फेरिकल एप्लीकेशन का। ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ द लार्ज अपर्चर आर वेरी डिफिकल्ट टू द मैन्युफैक्चर एंड द हैंडल। कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा, देखो जितना बड़ा आपको इमेज को एनलार्ज करना है, नहीं सॉरी जितनी दूरी का देखना है उतना बड़ा आपको ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करना पड़ता है, समझ रही बात ये? तो इतना बड़ा लेंस फिर उसको मैन्युफैक्चर और हैंडल करना टफ काम हो जाता है। अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आने लगे ना, बस एक ही चीज बची है अभी वर्चुअल क्योंकि लार्ज अपर्चर का मिरर अपन यूज कर सकते हैं ना।
the objective is a mirror and not a lens. It is free from the chromatic aberrations. A mirror requires the grinding and the polishing of the one surface only. तो उन्होंने बोला है कि एक ही साइड पे पॉलिश करने की रिक्वायरमेंट होती है. सो कॉस्ट इज प्लेस फॉर द कंस्ट्रक्शन क्रोमेटिक एब्रेशन वो कलर्स का शिफ्ट हो जाना. अच्छा लेंस ऑफ अ लार्ज अपर्चर टेंड्स टू अ वेरी हेवी एंड दस डिफिकल्ट टू द सपोर्ट एंड इतना बड़ा लेंस उतना ज्यादा कॉस्ट उतना ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा उसका. और जितना बड़ा लेंस यूज करना पड़ेगा ट्यूब की लेंथ भी उसी हिसाब से आपको यूज करनी पड़ेगी. तीन लेंस का है कैसे गेन टेलीस्कोप वन सेट का अरेंजमेंट यूजिंग ए कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर टू फोकस द कौन सा वाला ये जो कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर टू फोकस द इंसिडेंट ये जो डायग्राम है वो इसका नीचे वाले का वो ऊपर बन गया है. ये डायग्राम इसका नीचे वाले का ठीक है. हां कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे हैं रे को केंद्र करवाने के लिए या फोकस करवाने के लिए ठीक है. फिर देखो मेरी बात सुनो वेरी कल इसके कल अपने को इसके न्यूमेरिकल करने थे. पार्ट एंड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल. हेलो हेलो हाँ नमन सुनाई दे रहा है रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा एंड कर रहा हूँ. हाँ ठीक है.